नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर सही वक्त पर जख्मों का इलाज ना मिले तो वो जख्म नासूर बन जाया करते हैं। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी सियासी जख्मों का कुछ यही हाल है। दरअसल हो सकता है कि आपको पायलट बनाम गहलोत की जंग इन दिनों थोड़ा धीमी नजर आ रही हो, लेकिन आपको बता दें कि अंदर खेमे इस झगड़े में बहुत कुछ पक रहा है और ये खिचड़ी दिल्ली में पकाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी मिली है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन जब हाल ही में राजस्थान के दौरे से आए थे तब उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जो उन्होंने आलाकमान के समक्ष सौंपी है। वहीं दूसरी एक बड़ी खबर ये भी है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट कैंप को कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री गहलोत कुछ भी नहीं देंगे तो फिर पायलट कैंप से बात कैसे बन पाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से मौजूदा वक्त में जो दिल्ली से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, जो दिल्ली दरबार से जानकारी निकलकर सामने आ रही, उससे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा है कि एक बार फिर से जो पायलट की जो शिकायतें हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ दिनों तक जो हलचले थी वो थम गई हैं और वैसे भी अजय माकन के दौरे के बाद से लगभग ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि अब ये मामला एक बार फिर से शांत हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पायलट कैंप इस शांति को और इस प्रकार से ढीले रवैये को क्या स्वीकार कर पाता है। क्योंकि पायलट कैंप की यह मांग रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएं जो प्रमुख रूप से हैं। लेकिन अभी तक ना तो राजनीतिक नियुक्तियों की कोई सुगबुगाहट है, थोड़ी बहुत राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं लेकिन जिस प्रकार से पिटारा खोलना जिसे कहते हैं वो अभी तक नहीं हो पाया और मंत्रिमंडल विस्तार कि तो लगा लंबे अरसे से बात की जा रही लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। और अब खबर ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार अभी होने नहीं वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी अभी लंबा वक्त लगने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत की एक टैक्टिस है, ये एक रणनीति है कि मंत्रिमंडल विस्तार को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए जिससे जो पायलट कैंप की जो बेचैनी है उसको बढ़ाया जा सके। और वहीं इसके विपरीत पायलट कैंप की रणनीति यह है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करवा दिया जाए क्योंकि एक साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी पायलट कैंप को आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। लिहाजा अब पायलट कैंप के नेताओं का कहना है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। और वैसे भी पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी खुली चेतावनी देते हुए कह चुके हैं कि यदि उन्हें दिल्ली जाना, यदि लोगों की नज़रों में आत्महत्या करना है तो बार बार दिल्ली जाएंगे और बार बार मानेसर जाएंगे। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।